अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। आज मैं चाइना में नानजिंग रोड पे आया हूँ और ये इस वजह से मशहूर है कि जैसे न्यूयॉर्क के अंदर जो टाइम स्क्वायर है, इसी तरह ये वाला जो रोड है वो चाइना को उससे तशबीह दी जाती है। और मुझे यहाँ पर आकर ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं लाहौर अनारकली में आ गया हूँ। तो आइए आपको दिखाता हूँ। आज मुझे ये देखकर अपना लाहौर का अनारकली याद आ गया और लाहौर के जितने भी दूसरे बाज़ार हैं उधर रश इतना ही ज़्यादा होता है। चाइनीज़ लोगों की एक मेंटेलिटी है, माइंडसेट है कि वो रेगुलर डेज़ में खूब मेहनत करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हों या वर्कर हों, मगर वो वीकेंड के ऊपर फुल इन्जॉय करते हैं। और यहाँ पर देखें कि लोग अपनी ज़िंदगी को इन्जॉय करें, इतने लोग मैंने चाइना में एक साथ कभी नहीं देखे। रोड्स के ऊपर ट्रेन चल रही हैं और एक आपको पीछे भी अभी रेड कलर की ट्रेन नज़र आएगी। इसको देख के ऐसा लगा जैसे शाम के वक्त लाहौर माल रोड के ऊपर हमारे ऊँट चला करते हैं। दुनिया जहाँ का हर ब्रांड अवेलेबल है। लेफ़्ट साइड पर एप्पल का स्टोर है और ये जो सीधी सड़क जाती है ये डाउनटाउन की तरफ जाती है। सामने हवावे का स्टोर है और अगर हम राइट साइड पर देखें तो लॉरेल का स्टोर है और उसके साथ सैमसंग का स्टोर है। ये जो रोड है ये सीधा डाउनटाउन की तरफ जाता है। अभी मैं डाउनटाउन की तरफ जा रहा हूँ, जो शंघाई की फेमस बिल्डिंग है, और आगे जाके इंशाल्लाह आपको वो भी दिखाऊंगा। चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा फैसिनेट की है वो इन बिल्डिंग्स का डिज़ाइन है। इनको देख के ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं चाइना में हूँ। ये बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे हमने मूवीज़ में, स्पेशली जो स्पाइडरमैन मैंने मूवी देखी है, वो ऐसे ही रोड और ऐसी बिल्डिंग्स नज़र आती हैं उस मूवीज़ में। मेरी वीडियो का लुबे लुबाब है वो ये है। इसको कहते हैं शंघाई इज़ एट हिज़ बेस्ट, द न्यूयॉर्क ऑफ एशिया। ये जो आपको बिल्डिंग्स का डिज़ाइन नज़र आ रहा है ये फ्रेंच स्टाइल है और बंदे यहाँ पर ऐसे हैं जैसे पंजाबी में कहावत है कि बंदे तो बंदा बज रहा है। ये ले जी, ये वो पॉइंट है जो ना सिर्फ शंघाई का बल्कि पूरे चाइना का फेमस पॉइंट है, द डाउन टाउन द बर्न्ड। ये जो आपको सामने बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, मैं उस साइड पर भी गया हुआ हूँ। यहाँ पर इन्वायरमेंट इतना पीसफुल था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकअल्लाह खैर।